नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में देश के असीम विकास को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन देहरादून के बन्नू स्कूल में किया गया। आपको बता दें, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं आपको बता दें कि देहरादून से रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल ग्राउंड में प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में पांडवास बैंड की प्रस्तुति की गई, इसके शुरुआत की गई है। इसके अलावा इसमें स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुति भी रहेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश के कई राज्यों में बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, और इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौ सालों का जो कालखंड रहा है, इन 9 सालों के कालखंड में जहां भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में जितने काम हुए हैं, वो आज़ादी के जितने कालखंड हैं उससे कई गुना ज़्यादा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने मंगलवार को अपने मेडल हरिद्वार में गंगा नदी में बहाने पहुंचे थे। आपको बता दें, हालांकि किसान नेताओं ने उन्हें मना लिया है। पहलवानों ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की बात मानते हुए अपना मेडल उन्हें सौंप दिया। साथ ही पहलवान अब हरिद्वार से लौट गए हैं। नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिनों का समय मांगा है। ये हरदी पौड़ी माँ गंगा का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है। स्नान, ध्यान, पूजा, अस्थि विसर्जन अपने कर्मकांड का क्षेत्र है, और हमारी उन सब खिलाड़ियों से प्रार्थना है कि वह इसे किसी भी रूप में राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, अपने आंदोलन को रफ्तार देने के उद्देश्य से इस स्थान का प्रयोग ना करें। यह धार्मिक क्षेत्र है, धर्म के आधार पर यह कार्य करें और अधार्मिक कार्यों को किसी भी रूप से ना करें। टाइम लिया और बच्चे पता नहीं क्या कदम उठा ले इस तरह का। यहाँ तो यहाँ आपात ही बैठक होकर हमें 2 ही घंटे में पता लगा, तो हम बड़े जल्दी में यहाँ से आए। बच्चों ने कोई नहीं बता, बच्चे इतनी तोहिन मान रहे, जो परसों की घटना है तो बहुत तोहिन है। या बातचीत होगी या मीटिंग होगी, रात को क्या होगी बातचीत? मीटिंग वहाँ से सोरम सर खाप पंचायत है, वहाँ से मुझे पता लगा होगी। किसान यूनियन की तो किसानों के लिए हो बातचीत, वहाँ खाप की होगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने मंगलवार को अपने मेडल हरिद्वार में गंगा नदी में बहाने पहुंचे थे। हालांकि किसान नेताओं ने उन्हें मना लिया है, और पहलवानों ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की बात को मानते हुए अपने मेडल उन्हें सौंप दिए हैं। साथ ही पहलवान अब हरिद्वार से लौट गए हैं। नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिनों का समय मांगा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मान सम्मान की बात है, यौन उत्पीड़न का मामला है, बहुत ही शर्म की बात है कि एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई है। लिया और बच्चे पता नहीं क्या कदम उठा ले इस तरह का। यहाँ तो यहाँ आपात ही बैठक होकर हमें 2 ही घंटे में पता लगा, तो हम बड़े जल्दी में यहाँ से आए। बच्चों ने कोई नहीं बता, बच्चे इतनी तोहिन मान रहे, जो परसों की घटना है तो बहुत तोहिन है। या बातचीत होगी या मीटिंग होगी, रात को क्या होगी बातचीत? मीटिंग वहाँ से सोरम सर खाप पंचायत है, वहाँ से मुझे पता लगा।
जिला सहकारी बैंक चमोली की एटीएम वैन इन दिनों बद्रीनाथ धाम में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि दरअसल बैंक के एटीएम वैन यात्रियों को पैसा निकालने में मदद कर रही है। वैसे तो बद्रीनाथ धाम में एसबीआई पंजाब नेशनल बैंकों के एटीएम लगे हैं, लेकिन इन एटीएम में पैसा नहीं है, केवल शोपीस बने हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक की एटीएम वैन पिछले एक महीने से बद्रीनाथ धाम में है और यात्रियों और स्थानीय लोगों को इससे काफी मदद भी मिल रही है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में डिजिटल पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो इस पेमेंट एटीएम वैन की मदद से श्रद्धालुओं को काफी मदद मिल रही है और बद्रीनाथ धाम के व्यापारी वर्ग को काफी सहायता इससे मिल रही है। यहाँ पर बद्रीनाथ में कहीं पर भी ऑनलाइन कैश जीपे या फोन पे नहीं हो रहा है और कैश का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो वैन है इसकी वजह से हमको बहुत मदद हुई है कि इनकी वजह से हमको कैश मिल गया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे शॉप में कहीं पर भी कोई भी जीपे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। सो थैंक्स टू देम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी सुविधा है, इसके सहारे जितने भी यात्री हैं उनको बहुत सफलतापूर्वक पैसा निकाला जा सकता है। केदारनाथ में जिसकी कमी थी और वहाँ 4% लोगों से पैसा ले रहे हैं, पैसे देने के लिए ब्लैक में बड़ी मात्रा में काम हो रहा है। खूब बढ़िया है, बहुत अच्छी सर्विस है। आप कहाँ से आए हो सर? महाराष्ट्र नांदेड़ सर। जी जी जी, आपको ये बद्रीनाथ में एटीएम की सर्विस कैसा लगा सर? यहाँ इतने माहौल में आपने जो सुविधा दी है बहुत अच्छी सुविधा है। जो एटीएम इतने जो हम महाराष्ट्र से आए, यहाँ कैश की दिक्कत थी हमें, तो आपने जो सुविधा दी इसके वास्ते आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और बद्रीनाथ में मतलब आके ऐसे लग रहा है हमें कि स्वर्ग में आ गए हैं, हम मंदिर के विष्णु जी के दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं खास करके जो अगर कभी पैसे की ज़रूरत लगती है तो एटीएम की व्यवस्था यहाँ पे, जो मोबाइल एटीएम है बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। ये सुविधा हम केदारनाथ में गए थे तो केदारनाथ से नीचे आते टाइम हमें बहुत दिक्कत हुई क्योंकि कहीं पे भी एटीएम की सुविधा नहीं है। अच्छा लगा, इतना अच्छा सेवा हमको ना कभी मिला था ना मिलेगा, यहाँ इतनी अच्छा सेवा हमको लगता है। आप लोग तो हम लोग को इतना अच्छा दे रहे हैं ना, खुश हो गया है। कहीं भी एटीएम खोजते था जा। जी, चमोली जिला सहकारी बैंक के द्वारा जो एटीएम कैश वैन का संचालन विगत 2-3 वर्षों में से किया जा रहा है, उसका यदि मैं आपको उसका पूरा डिटेल आंकड़ा अगर आपको बताऊं तो आज तक हमने एटीएम कैश वैन के माध्यम से 8,23,00,000 रुपया हमने इससे खाता धारकों ने और आम जनता ने कैश वैन के माध्यम से आहरण किया है। और इस की सुविधा मैं ये कह सकता हूँ कि जो दूर दराज के हमारे क्षेत्र हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, माणा हुआ, नीति हुआ, मलारी हुआ, और अब सोनप्रयाग का जो हमारा क्षेत्र है, रामपुर का जो हमारा क्षेत्र है, केदारनाथ यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं, वहाँ वर्तमान में बैंकिंग सुविधा न होने के कारण आजकल हमारी एटीएम बैंक के माध्यम से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्य सरकार अगले 2 वर्षों में पॉली हाउस योजना के लिए 1,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन और तीर्थयात्री के रूप में आने वाली करीब 7 करोड़ फ्लोटिंग आबादी की सुविधा और संसाधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग की है। उन्होंने एक बार पर्यावरणीय सेवाओं के लिए राज्य को ग्रीन बोनस देने की भी मांग उठाई। नीति आयोग में चूंकि यहां पर हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और जब तक चूंकि जो वित्तीय आवंटन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो जाता राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तब तक हमको जो है ग्रीन बोनस दिया जाए। और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है उसके बारे में भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको जो है जितनी यहाँ की जनसंख्या है उससे 5-6 गुना ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु, पर्यटक आते हैं, उनका सबका इंतजाम करना पड़ता है।
कांग्रेस ने बीजेपी पर वार करते हुए रोजगार को लेकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में सरकार युवाओं को रोजगार देने में फेल साबित हुई है। बीजेपी आज केंद्र के 9 साल पूर्ण होने पर खुशी जता रही है, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो इस समय युवाओं के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी का आलम चरम पर है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान रोजगार का ब्यौरा जनता के सामने रखे, साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी बातें रखी गई। कांग्रेस अपने कार्यकाल के रोजगार का पीछा तो रखे। आज केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जितनी नियुक्तियां छोटे राज्य के होने के बावजूद नियुक्तियां दी गई हैं, चाहे आर्मी में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, केंद्र सरकार के मंत्री आ रहे हैं नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के लिए राज्य के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट की नियुक्ति के पारदर्शी नियुक्तियों का प्लेटफॉर्म उत्तराखंड में तैयार हुआ है। इतनी नियुक्तियां हमने दी हैं इन आप तो 6 सालों के राज्य के अंदर, उसकी तुलना कांग्रेस सरकारों की तुलना कर लो, कांग्रेस भी 10 साल रही है। अगर उसमें कहीं हम पीछे तो जिले वाले जिले तय हो गए ना, सबके लोकसभा तय हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि अल्मोड़ा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और अल्मोड़ा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। आपको बता दें कि 5 जून तक के लिए अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो आपको बता दें अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर मौसम ने ली करवट, अल्मोड़ा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने के संकेत मौसम विभाग की ओर से दिए गए हैं। आपको बता दें कि 5 जून तक के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जो है जारी किया गया है, जिसमें कि भारी वर्षा और ओलावृष्टि होने की भी संभावना इलाके में जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि अल्मोड़ा से सामने आ रही है। मौसम विभाग के द्वारा मौसम पर अलर्ट जारी किया गया है, इलाके में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 5 जून तक के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट इलाके की में जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा अल्मोड़ा की, जहां पर मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और मौसम बेहद ही जो है रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं और इलाके में ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं जो है जताई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक बयान वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी से डर नहीं लगता बल्कि अपने ही नेताओं से डर लगता है, क्योंकि वह छोटी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी से ही डरती है, क्योंकि उनके नेताओं में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वह कांग्रेस को डरा सके। उनके हर नेता का भय अलग अलग होता है जो कि सार्वजनिक होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भय सिर्फ भाजपा से ही है। बिल्कुल अपने नेताओं से डरते नहीं है, वो बीजेपी से ही डरते हैं। उनके नेताओं के अंदर इतना कुब्बति नहीं कि अपने नेताओं को डरा सके। हर नेता एक दूसरे के प्रति जो उनका भाव रहता है वो सार्वजनिक होता है, उसका एक भय अलग पक्ष का हो सकता है, लेकिन भय केवल बीजेपी से कांग्रेस को है। और भय हो भी क्यों ना, कि हमारे कार्यक्रमों का ही आधार, हमारे द्वारा किए गए कार्य ही उनके राजनीतिक मुद्दे बनते हैं। आश्चर्य की बात है, 9 प्रश्न पूछने वाली कांग्रेस को हर वर्ष प्रश्न पूछते जनता ही जवाब देती है, और आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता उनको जवाब देती है। अल्मोड़ा में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के तहत संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय भारत सरकार और तकनीकी अधिकारी केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अल्मोड़ा जनपद में अमृत सरोवर योजना सहित प्राकृतिक जल स्रोतों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि भ्रमण कार्यक्रम के दौरान संयुक्त सचिव द्वारा कैच द रेन अभियान की समीक्षा एवं जनपद अंतर्गत जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्यों तथा अमृत सरोवर इत्यादि का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
उसका जल शक्ति मिशन के अंदर कैच द रेन इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें हमारी थीम इस बार सो सस्टेनेबिलिटी है। सो सस्टेनेबिलिटी जो स्रोत हैं उधर हम कैसे पानी को हम अपनी उसकी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो इसमें हमारे विभिन्न भाग जैसे काम कर रहे हैं, जल संस्थान हो गया, मनरेगा से हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं सोर्स ऑगमेंटेशन का जल संस्थान के साथ, सिमिलरली जलागाम वाले काम कर रहे हैं, ट्रेंचेस बना रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को भागने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को मुरादाबाद बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग को भागने के आरोप में 30 माह से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुरादाबाद बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान मौके पर पुलिस ने आरोपी युवक के पास से लड़की को भी बरामद किया है। सीओ ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित के परिवारजनों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई थी। कुछ दिन पूर्व फेसबुक पर आरोपी के भाई के साथ फोटो अपलोड की गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसएसआई गोविंद सिंह मेहता ने गहनता से छानबीन शुरू कर दी थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ मुरादाबाद बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि आरोपी को बाजपुर लाया गया है, उचित कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। एक नाबालिग लड़की को भगाने से संबंधित ये 363 आईपीसी में ये थाना बाजपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें विवेचक के द्वारा जो है काफी कोशिश की थी उस समय इसको ढूंढ खोज करने के लिए, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चला। इसके ये सद्दाम है इसका नाम जो अभियुक्त है, तो इसका भाई एक सलमान था, उसने भी इस लड़की को भगाने में इसका सहयोग किया था, जिस कारण से उसको उस समय जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। इस अभियुक्त के खिलाफ इसके घर पर 82-83 की कार्रवाई भी की थी। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के असीम विकास को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन देहरादून के बन्नू स्कूल में किया गया। आपको बता दें इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। देहरादून के रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल ग्राउंड में प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में पांडवास बैंड की प्रस्तुति से इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा के लिए स्थानीय लोक कलाकारों ने प्रस्तुति रहेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश के कई राज्यों में बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौ सालों का जो कालखंड रहा है, इन 9 सालों के कालखंड में जहां भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में जितने काम हुए हैं, वो आजादी के जितने कालखंड है उससे कई गुना ज्यादा। कालागढ़ पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कॉलोनी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें इस मौके पर उन्होंने कालागढ़ में आयोजित शिविर में जनता की शिकायतें भी सुनी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने 24 लोगों को आर्थिक सहायता के लिए चेक भी वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किया गया है। शिविर के दौरान लोगों की समस्या सुनने के बाद समस्याओं का समाधान किए जाने को लेकर मंथन किया गया। जो यहाँ बुलाया गया है और एक बहुउद्देशीय शिविर कह सकते हैं या जनता दरबार कह सकते हैं कालागढ़ में लगवाया गया है। बहुत सी समस्याएं जनता की यहाँ पर थी,
हर एक विभाग को लेकर कुछ ना कुछ समस्या थी, और जैसे आप सभी जानते हैं थोड़ा मुश्किल होता है कालागढ़ से गोंदवाड़ तक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचना। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हर एक विभाग को, चाहे वो समाज कल्याण हो, पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो, पानी हो, हेल्थ का हो, शिक्षा का हो, हम सभी को लेकर, अफसरान को लेकर यहाँ पहुँचे। आए दिन कांग्रेस में कभी गुटबाजी तो कभी बयानबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन तमाम गतिविधियों पर विराम लगा रहा है। आपको बता दें कि वही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस के बीच में कोई गुटबाजी या फिर कोई ऐसी बात नहीं है। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति पर बोलते हुए जोशी ने कहा कि पीसीसी का गठन हो चुका है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एआईसीसी को प्रदेश के कल्याण कार्यकारिणी की सूची सौंप दी है। जल्द ही आने वाले दिनों में प्रदेश पदाधिकारियों की सूची भी फाइनल हो जाएगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में गुटबाजी और लगातार बयानबाजी की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं, और इसी बीच जो है जोशी का बयान आया है कि ऐसा हमारी आंतरिक पार्टी के बीच में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई गुटबाजी चल रही है और ना ही कोई किसी भी तरीके की बयानबाजी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि तमाम तरह के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति जो है कांग्रेस की ओर से कर दी गई है, और वहीं आगामी जो नियुक्ति अभी लंबित है या रह गई है उन्हें भी जल्द ही कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। पूरी एकजुटता है कांग्रेस में, बताइए कहाँ पर कोई गड़बड़ है तो ये बता दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक संगठन विस्तार की बात है, हम लगातार विस्तार कर रहे हैं। पीसीसी का गठन हो गया है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, और प्रदेश के पदाधिकारी की नियुक्तियाँ होनी है। मैं समझता हूँ जल्दी ही माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी कार्यकारिणी AICC में सबमिट कर दी है, प्रभारी जी को दे दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।